वो हो व्लॉग की शुरुआत, ये मस्त शर्ट और ये मस्त मर्द को देखो। ओहो, हमें मुंबई के सन एंड सैंड होटल में, वाह 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 वाह, पीपल आर स्टेयरिंग नाउ। बट एक्चुअली उस रूम में बहुत बड़ी शूट की प्रेप हो रही है। बॉलीवुड एक्टर्स के शूट्स ऐसे ही होते हैं, विच इज एग्जैक्टली वाई हम एक घर ले रहे हैं ताकि लोग वहां आके शूट करें हमारे साथ। अच्छी फीलिंग है कि इतने टाइम के बाद मुंबई में शूट्स रिज्यूम हुए हैं। मीडिया इंडस्ट्री वाज ऑन पॉज बिकॉज ऑफ कोविड फॉर वेरी लॉन्ग, फिल्म इंडस्ट्री वाज ऑन पॉज, फैशन इंडस्ट्री वाज ऑन पॉज, इसलिए हम इतने फैशन वीडियोस नहीं बना रहे थे। बट फैशन का जमाना लौट चुका है, हमारे साथ है हमारी स्टाइलिश टीम, ये मंकी स्टाइल फैशन में है कैमरा वाले एवं डायरेक्टर एवं कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट संचित, वेयरिंग हॉट बॉय विराज शेट स्टाइल क्लोथ्स। अभी हमारे साथ है हमारे टीम के नए मेंबर रिकी, जो एकदम रॉक स्टार की तरह ड्रेस करते हैं, और ये है ओजी बियर बाइसेप्स के धार्मिक आर्टिस्टिक स्पिरिचुअल मेंबर, ये है राजस परदेशी, मंकी रिप्रेजेंट, जेम्स हार्डन बियर्ड रिप्रेजेंट, और आखिरी प्लेयर है आपके फैशन भैया। फैशन भैया ने खुद की स्टाइल गेम चेंज कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टाइलिस्ट ने कहा है उनसे कि यार आप बहुत फॉर्मली ड्रेस करते हो, आप बहुत मच्योर वे में ड्रेस करते हो, ट्रेंडी क्या है आजकल जेन जी स्टाइल फैशन, राजस परदेशी बताएंगे ट्रेंडी क्या है आज। अभी ट्रेंड आई थिंक हो चुका है, बढ़ चुका है पैटर्न का, जैसे शर्ट पे पैटर्न्स है वैसे, बिकॉज आई थिंक जेन जी इज कमिंग आउट मोर ऑफ द फ्लेवर, मोर ऑफ द फ्लेवर ऑनलाइन, कैजुअल स्टाइल है, उन्होंने अपना स्टाइल डाल दिया पूरे इंटरनेट पे अभी, तो इसलिए लोगों में और जैसा थोड़ा कैजुअल इनफॉर्मल क्यूबन कॉलर्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल, रेट्रो जेन जी आ रहा है। पैटर्न्स में भी ना ऐसे पैटर्न्स, दो साल पहले तीन साल पहले दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स वुड हैव बीन काउंटेड एज स्लाइटली फुद्दू पैटर्न्स, बट एक्चुअली दीस थिंग्स हैव बिकम पॉपुलर, कलर हैज बिकम अ लॉट मोर पॉपुलर, कलर हैज बिकम मोर एक्सेप्टेड, रेट्रो रेट्रो लुक वापस आ रही है, क्यूबन कॉलर्स जैसे कि मैंने कहा, ओल्ड स्कूल शेड्स बिल्कुल ऐसे, और क्योंकि हमारा आई ऑपरेशन हो गया है, कुछ नहीं हुआ, आजकल हम पहनने लगे हैं शेड्स। तो जमाना ऑफ जेन जी, आप हैं जेन जी रिकी भाई, यस, जेन जी के गर्लफ्रेंड्स के बारे में कुछ बता दीजिए। आजकल मतलब लड़कियां मतलब ज्यादा फैशनेबल से ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े रहते ना वो पसंद आते हैं, दैट्स ट्रू, जैसे बैगीनेस वापस आ रहा है बहुत सारा। हां वही, दैट्स व्हाट आई थिंक हमारे ज़ारा वाले व्लॉग में मैंने कहा कि लूज कपड़े, लूज फिट्स, बॉक्सी फिट्स आजकल पॉपुलर हो चुके हैं, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट, इफ इट्स नॉट योर नेचुरल सेंस ऑफ स्टाइल डोंट फॉलो इट। ओके ब्रो, वी स्टार्ट विद द आईपीएल शूट एंड देन वी डू, सो यू हैव लाइक, कैन यू बी इन माय व्लॉग फॉर लाइक 2 मिनट्स, आई हैव टू गेट थाउजेंड, जस्ट लाइक इट वोनी इन लाइक 30 सेकंड्स, आई हैव टू गेट थाउजेंड, नो मैन, लुक एट दिस कलर्स, कलर्स देखिए, पैटर्न्स देखिए, ये है जेन जी टाइप स्टाइल, थैंक यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है, घुसेड़ दो सब फैशनेबल लोगों को, घुसेड़ दो लोग, देखो उसकी उसकी फ्रेम्स देखी, वी विल स्टॉक हिम आल्सो, लाइक इन दिस व्लॉग वी विल वेट फॉर हिम टू कम बैक, स्वीट गाय। ये है मुंबई की मायामी वाइब, ये है मेरे भाई तेजिंदर जी, मैं एक्चुअली इनसे यही मिला एंड इनकी आउटफिट की वजह से मैंने सोचा कि इस फैशन ब्लॉग में इनको लाना है। ब्रदर आई लव योर स्टाइल, थैंक यू, फर्स्टली थैंक यू, वेयर डू यू गेट दिस कुर्ता? दिस इज फ्रॉम फैब इंडिया, आई मोस्टली गेट माय कुर्ता फ्रॉम फैब इंडिया, नाइस, आई लव दैट यू आर वेयरिंग स्नीकर्स विद द होल कुर्ता गेटअप, या मैन, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड यू कैन पेयर देम विद व्हाटएवर यू लाइक टू वेयर, फॉर श्योर, हाउ इज योर वाइब टुडे ब्रदर? Chilling man, I mostly wear kurta pajama, I feel it's very comfortable, especially for Mumbai weather. Yeah, I am happy to meet you bro, you have very original style, and I'm happy to have you as a part of the vlog. Thank you so much, thank you my brother, thank you so much.
ओके, अभी फैशन भैया का टाइम हो गया ख़त्म, अभी पॉडकास्टिंग भैया का टाइम स्टार्ट हुआ है। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी डूइंग बॉलीवुड पॉडकास्ट तापसी पन्नू के साथ। बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है ये, सो थोड़ा वो जोन में आके बातें करनी है उनसे। आ गए हम लोग तापसी जी के सेटअप पे, लेट हो रहा है, आप देख सकते हो कितना बड़ा सेटअप है। छोले भटूरे जैसे दिल्ली के छोले, नहीं नहीं रेडी ऐसे ही खाना है क्या? आई थिंक इट विल बी अ गुड कन्वर्सेशन, इट्स जस्ट या That's okay. Yes. I love to talk anyway. Huh. I know I've done my research. So. Oh, very nice. Ready? Three dots. Yeah. Rolling. One, two, three. Tapsee Pannu, welcome to the Ranveer Show. थैंक यू सो मच यार। रणवीर शो सुन के मुझे पहले लगा कि रणवीर सिंह आने वाला है, मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, प्रमोशन का बजट इतना बढ़ गया। नहीं, दिस इज वन स्टेप बेटर, दिस इज इफ यू इंसिस्ट। ओके, यू आर रोलिंग ऑन दैट। आपसी पन्नू जी कैसा था आपका एक्सपीरियंस रणवीर शो पे? अभी हाथ जोड़ के पूछेगा तो अच्छा ही बोलना है। इट वाज नाइस, इट वाज कूल, रिलैक्स्ड, नॉट फॉर्मल व्हिच इज गुड। या आई मीन इट्स अ नाइस, इट वाज लाइक डिस्ट्रेसिंग प्रमोशन टाइम। डू यू कंज्यूम पॉडकास्ट योरसेल्फ? नॉट मच। ओके, बिकॉज़ आई डोंट गेट टाइम टू, बिकॉज़ हाफ द टाइम वी आर ईदर ऑन सेट ट्राइंग टू रिहर्स आवर लाइंस or we are offset trying to hear the scripts. So there's rarely any time I get off, but yeah, you know, when I hear podcasts, when I'm running on treadmill. Ah, nice. Follow the Ranveer Show on Spotify. I might, because last I did follow a show which was like an interview show on podcast, and I liked listening to that. It just diverts my mind of the pain that I go through in this. Good luck with Rashmi Rocket. Oh, thank you Ranveer, thank you for this. Bye. Great episode. Just feeling good. Always good having a conversationalist on the show. Or up, time for podcast number two. Look number two, podcast number two. हम हैं अमित त्रिवेदी जी के स्टूडियो के यहाँ। बहुत ही सुंदर, क्रिएटिव, मोटिवेटेड वाइब फील हो रही है यहाँ। और ओवरऑल आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट। पर अभी फैशन के बारे में बात करेंगे। ये देखो, आजकल ऐसे भी ट्रेंड लोग फॉलो कर रहे हैं कि आप एक शर्ट को, एक अच्छी शर्ट को, जहाँ अंदर भी, शर्ट के अंदर के साइड पर भी पैटर्न बना हुआ है, इसे जैकेट की तरह पहनो। ये एक्चुअली एक क्यूबन कॉलर शर्ट है, दिस इज़ ट्रेंडी बाय इट्सेल्फ, पर अगर आपको इस शर्ट को एक और नए तरीके से पहनना है, ऐसे पहन लो। ओके, बेसिकली हम कहाँ हैं संजीत जी? हम हैं द लीजेंडरी अमित त्रिवेदी जी के स्टूडियो में। यही वो जगह है जहाँ पे वो लीजेंडरी गाने गाते हैं, वो स्टूडियो है उनका, ये उनका पूरा सेटअप है। क्रेजी। रिकी जी, हाँ, कैसी वाइब फील हो रही है यहाँ? बहुत सही, ऐसे वो नमो नमो एकता रहा, वो सब गाने ऐसे गूंज रहे हैं यहाँ पे। राजू, यस, व्हाट वाइब आर यू फीलिंग? एक्साइटेड फॉर द पॉडकास्ट। आई एम ऑल्सो क्रिएटिवली वेरी चार्ज फॉर टुडेज पॉडकास्ट, क्योंकि अमित त्रिवेदी जी मिले मुझे जस्ट स्टूडियो के बाहर, एंड आई फील कि वो स्पाइडरमैन वाला मीम है ना, वो वाला वैसी वाइब हो गई कि वी बोथ रिकग्नाइज द क्रिएटिविटी इन अस। आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट अप ऑन द पॉडकास्ट। आई एम ऑल्सो हैप्पी कि वैक्सीन की वजह से और कोविड के थोड़े से खत्म होने की वजह से वी कैन स्टार्ट इन पर्सन पॉडकास्ट, क्योंकि इन पर्सन पॉडकास्ट की वाइब ही अलग होती है दोस्तों। लेट्स वेलकम त्रिवेदी जी। सो हेलो चेक, मेरा नाम है अमित त्रिवेदी और मैं बैठा हूँ रणवीर जी के साथ आज एक बढ़िया सा पॉडकास्ट शूट करने और रिकॉर्ड करने। सर, आपने पॉडकास्ट शूट किया है पहले? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ये आपका पहला पॉडकास्ट है? पहला पॉडकास्ट। आई एम ऑनर्ड सर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। या सो बेसिकली सर, द डिफरेंस इन लाइक पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू इज, इंटरव्यू इज लाइक ऑलवेज वन वे क्वेश्चन, पॉडकास्ट इज लाइक टू वे। ओके ओके ओके, इट्स जस्ट अस टॉकिंग। अच्छा अच्छा, इट विल बी अबाउट क्रिएटिविटी, शिव जी, ऑल दिस शिव जी एंड ऑल। वाह, तो सही है, इट्स लाइक दैट जोन। सर, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मजेदार यार, बहुत मजेदार। यू फेल्ट डिफरेंट एनर्जी इन द पॉडकास्ट? या इट्स अ, आई वेंट इन अ डिफरेंट
क्या बोलते हैं, अलग अलग दुनिया में, मेरा ब्रेन के अलग अलग एरियाज में यहाँ पे जाता नहीं कभी. I feel that's the real joy when you're able to do this with a guest and not all guests agree to go where you went. Again, it's that humility thing. Oh, is it? I feel too. But thank you again. This how much you opened up and all. People criticize me for saying ki, nahin, this was, if I often say ki, this was my best podcast. And people are like, har podcast ke liye kehta. But this was really one of the best podcasts. Sanchit ko pooch lijiye. Sanchit tha. It was legendary. Yeah. You felt energy in this room? Yeah. Wow. Thank you. Thank you, Vaijo. Thank you so much. But I always want, like for me, the best podcast does something to the guest. Then it's like, I feel I've done my job. Right. So I'm also enjoying this. And put yourself in my shoes, sir. Like you are my, maybe since September, you might be my 40th or 50th podcast. September this year? Yeah. And all are authors, culture experts. Wow. Like people like yourself who have accomplished something a lot in one particular field. So imagine what my head is going through. What? Bombardment of information. Yeah. But it's good. It changes you also as a person. You become very... You look at life in a very different way. You get to learn a lot. Good? नहीं आप आ जाओ ब्रो. पक्का ना? हाँ हाँ. अरे नहीं सर को तो अच्छा लगा. ये बोलते हैं अच्छा क्या? But thanks for having us in this space, bro. It is a pleasure to host you. ये तो एक इतनी मेहनत होती है पॉडकास्ट के बाद. इसको गोरिल्ला स्टाइल शूटिंग कहते हैं कि सब इक्विपमेंट जाके घूमो, सेटअप, dismantle, go back home, start editing, gorilla style shooting, baby. The goal is ki jab hum shift ho jayenge naye ghar mein, naye flat mein, wahan standard podcasting studio rahega and hopefully wahan Shahrukh Khan ji, Sachin Tendulkar sab wahan aakar hamare sath podcast shoot karenge. So that is the next stage of podcasting. Definitely main Joe Rogan se inspired hu. Agar Joe Rogan ke mukham tak pahunchna hoga तो उनके जैसे कंटेंट को भी उसी तरह अप्रोच करना पड़ेगा. बट ये मत भूलिए कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को रिटेन नहीं करेंगे क्योंकि फैशन भैया भी लौट चुके हैं. तो ये था हाफ फैशन हाफ पॉडकास्टिंग व्लॉग. अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए.